हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल हाइपर बी मोहम्मद सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने पिछले वीडियो में मैं विप्रो के ऊपर आपको क्लियर एनालिसिस दिया था एंड हम लोगों ने कई बार प्रॉफिट बुकिंग किया है पर इस बार हम लोग स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं फंसे हुए हैं इन द सेंस हम लोगों का जो एंट्री हुआ है ये प्रॉपर है पर स्टॉक जान रैली देने के बाद भी हम लोगों को टारगेट नहीं दे रहा है एंड इम सेलिंग लगा रहा है जिस वजह से स्टॉक के अंदर कई लोग पैनिक हो रहे हैं और मैं सजेस्ट करता हूँ पैनिक होने वाली बात स्टॉक में नहीं है ये मैं पहले भी बताया था और आज भी बताया एंड मैं आपको ब्रेकडाउन बताया एंड मैं आपको ब्रेकआउट बताया एंड अपने पिछले वीडियो में मैं आपको ये भी बताया थ्री नाइन से लेकर पैसा गया एंड आपने एवरेज नहीं किया है अभी भी आप एवरेज कर सकते हैं अगर आप थ्री में एंट्री लिए एंड उसके बाद आपने 360 में भी एंट्री लिया थ्री 90 में एंट्री लिए 360 में भी आपने एंट्री लिया तो आपका ओवरऑल एवरेज क्या बनेगा भाई आपका ओवरऑल एवरेज बनेगा 375 अगर आपने 385 में लिया एंड आपने 360 पे एवरेज किया तो आपका ओवरऑल एवरेज बनेगा 372.5 स्टॉक अभी 361 पे चल रहा है स्टॉक के अंदर हम लोग एग्जिट कहां पे करेंगे 390 पे करेंगे तो ओवरऑल एवरेज हमारा क्या बना 375 एंड 375.372.5 एंड यहाँ पे हम लोग टारगेट क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे टारगेट 510 के पर थोड़े लॉन्ग पोजीशन है 425 तक टारगेट लगा के 390 का टारगेट लेंगे एवरेज के बाद हमारा ओवरऑल एवरेज ओवरऑल ओवरऑल एवरेज हमारा क्या बना 375 बना एंड 372.50 बना ये हमारा ओवरऑल एवरेज बना दोस्तों अभी स्टॉक के अंदर डरने वाली बात नहीं है स्टॉक के अंदर हम लोगों को हमारा पोजीशन का क्लियर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा आगे एनालिसिस में जाने से पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक पॉजिटिव है कुछ स्टॉक नेगेटिव है जिसमें आपको एवरेज करना है एग्जिट करना है लॉस में निकालना है समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि किसको कहां पे है है स्टॉक का पुराना गेम है दोस्तों ब को पैनिक करना पैनिक करके स्टॉक को गिराना उसके बाद एक बइंग का रैली देना जिस रैली में हम लोग लिख लेंगे स्टॉक पिछले कई समय से बैयर को ट्रैप करते हुए आ रहा है और स्टॉक पिछली बार जो गेम खेला था 482 का खेला था उसके बाद 440 का गेम खेला अभी ये 400 का खेल रहा है अभी ये जो ट्रेंड बनाने वाला है ये 320 से लेके 425 का ट्रेंड बनाने वाला है जिसके इन बिटवीन लेवल्स में हमें निकलना है और ये पिछले साल रैली कहां से लिया था दोस्तों 233 से रैली लिया था एंड स्टॉक के अंदर प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकडाउन लेवल क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकडाउन लेवल 302 का है यानी स्टॉक 300 का लेवल ब्रेक करने वाला नहीं है 300 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड करने वाला है तो हम लोगों को पैनिक होने वाली बात स्टॉक के अंदर नहीं बन रही है दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस विप्रो पे अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग है होल्डिंग लगा के चलिए एंड ये था मेरा एनालिसिस अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा स्टॉक के ऊपर तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू